स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल रिंकू की दुनिया पे। तो आज हम लेके आए हैं थोड़ा हमारी जर्नी के बारे में, दिखाते हैं कैसे क्या हम कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, बातें भी कैसे हम दोनों के विचार मिलने लगे, फिर कैसे दोस्ती में बदल गया सब कुछ धीरे धीरे। पहले तो क्लोज इतना हुए कि भाई हाँ हम दोनों फिर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगे। तो पहले पहले हम मिले थे सीकर में, सीकर में हमारा लहंगा डिसाइड होना था, बरी लाने गए थे हम लोग। तो फिर मैंने सोचा तो वहाँ पे ना तो ये मुझसे बात करी, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे ना, हमारे साथ भाभी भी थे और एक और आंटी थे और भैया थे, तो हम तीनों लोग थे साथ में। तो मेरे को तो हम दोनों को ये फील हुआ कि हम दोनों ही घमंडी है एक दूसरे, मेरे को इनको देख के हुआ कि और ये लड़की तो उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल हाय हेलो कुछ नहीं कहा। मेरे को लगा यार थोड़ी सी मतलब लग रहा है बहुत ही घमंडी, मेरे को भी यही सेम फील हुआ। फिर मैंने कहा यार इसके साथ फोन कैसे पटेगी ये वो, हाँ। थोड़ा बहुत ऐसे हुआ कि थोड़ा अलग है, फोन के थ्रू भी हमारी कभी बातचीत नहीं हुई, नहीं शादी से पहले भाभी से होती थी हमारी, पर हमारे आपस में कभी कभी हुई नहीं। तो फिर हम अब फिर शादी होके हम लोग आ गए तो कुछ ही दिन मतलब महीना ही हुआ होगा, हाँ। महीना मतलब स्टार्टिंग में तो अपन बात ही नहीं हुई अपनी, मतलब 5 दिन रहे थे अपन, 5 ही दिन रहे थे ना, फिर अपन चले गए थे, अपनी बातचीत इतना ज्यादा हुई नहीं थी उस टाइम। फिर आए हम दोनों रहते ऊपर, ये कुंतल का रूम था, हाँ ये मेरा दोनों का था, मतलब ये मेरा और ये इनका, तो हम दोनों आसपास ही रहते थे। अभी नीचे शिफ्ट हुए, पहले ऊपर ही रहते थे मेरे साथ ही, अभी नीचे रहती हूँ, मतलब बाबू के लिए थोड़ा सही रहता है नीचे, बार बार वो गई दिक्कत, ऊपर आना वाना हो, प्रेग्नेंट थी तो नीचे ही सही रहता था, मेरे को तो थोड़ा ऊपर चढ़ना वरना। तो फिर हम लोग यहीं रहते थे, नवीन भैया मतलब मेरे जेठ, तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों एक दूसरे से बात, बोला था ना अपन को कि तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, फ्रेंडशिप कर लो तुम दोनों। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई जाती हूँ रूम में, थोड़ा मतलब तो शर्म भी आती, मेरे को तो बहुत शर्म आती थी, इतना बात ही नहीं करती थी कभी, मतलब ठीक है मैं कर लेती थी तो ये कभी बोलती थी नवीन लोगों के सामने, तो अभी भी मतलब इतना मतलब शर्म आती है मेरे को, मैं बहुत शर्म आती है। हाँ तो फिर मैंने कहा जाती हूँ भाभी के पास, तो हम लोगों ने मतलब यही छत पहले बैठे थे, फिर मैंने कहा सेल्फी लेते हैं हम लोग, और कोई बात नहीं, फोटो का बहुत शौक भाभी, चलो सेल्फी लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने सेल्फी ली अंदर, फिर कहा साफ नहीं आ रही है, चलो भाभी बाहर चलते हैं ना, यहाँ पे यहीं की बात ही हो है ना, यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक की थी, धीरे धीरे ऐसे ही हमारी बातें होने लगी, थोड़ी थोड़ी होने लगी, फिर भी यही था कि दोनों को घमंड है, मतलब यही था, इतनी दोस्ती हुई नहीं थी, फिर धीरे 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 ऐसे बातचीत होने लगी, एक दूसरे को जानने लगे, तब जाके फिर समझ आए कि नहीं नहीं वैसे जैसा हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे वैसा नहीं, ये भी अच्छी है मैं भी अच्छी हूँ, इनको ये लगा मैं भी अच्छी हूँ, दोनों सेम सेम सी सोच है तो पटेगी अच्छे से। फिर हमारी अच्छे से ये भी मेरे से अपनी बातें शेयर करने लगी, मैं इससे अपनी बातें शेयर कर लेती थी, कभी दुखी होती थी तो आ जाती थी अभी ऐसे ऐसे, फिर ठीक है मैं उसको समझा देती थी कि भाई नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा कभी मतलब इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया अच्छे से, मतलब मेरा यहाँ पे मन भी नहीं लगता था स्टार्टिंग में, सही पूछो तो बिल्कुल ऑब्वियसली अब घर छोड़ के आते हैं तो मन नहीं लगता ना, एक दूसरे का सहारा भाई, लोग आउटफिट जो कि हम कल पहन, हाँ तो ये पहन, अभी मैं एक एक करके बता देती हूँ, पहले ना ये वाला लहंगा है जो ये पहनेगी रिया, रिया भाभी, ये मैंने सीकर से ही लिया है और कपड़ा लेके मैंने स्टिच करवाया है, हाँ मतलब ये अलग से ही कपड़ा लिया है, वैसे सीधा सीधे भी आते हैं लहंगे पर इन्होंने अलग से कपड़ा लेके वैसे सिलवाया है, और ये है मेरा सेम ब्लाउज है उसपे, हाँ ये रहा ब्लाउज, मैंने सेम ही मतलब उसको सेम ब्लाउज सेम लहंगा बना, हाँ और ये है ओढ़ना, इन्होंने ओढ़ना तैयार करवाया है, ये है चुनरी, हाँ जो मैं इस पे ओढ़ूंगी, हाँ ये फतेहपुर से लिया है, हाँ, इन्होंने फतेहपुर से लिया, ये सीकर से लिया लहंगा और ब्लाउज, और ये फतेहपुर से लिया है, ये गोटा और बूटी भी फतेहपुर से लिया है, हाँ ये है पोमचा, इनके वाली थी चुनरी, ये है पोमचा, ओढ़ना भी घाघरा तो सीकर से ही है, हाँ ये सीकर से लिए हैं दोनों, ओढ़ना भी सीकर से लिया है, घाघरा भी सीकर से लिया है, शॉपिंग वहीं से होती है, सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर, हाँ, बस सेम सेम जयपुर, तो मतलब ये सब चीजें हम नहीं लाते, हमें पता भी नहीं है जयपुर, हाँ। और सूट वगैरह भी सीकर से, सेम सेम से होते हैं हमारे, और वैसे पता है आप लोगों को शादी हुई थी ना हम दोनों की, मतलब इतना शर्माते थे एक दूसरे से हम दोनों कि मतलब कोई भी बात शेयर नहीं कर पाते थे कि हाँ यार पूछूं कि नहीं पूछूं कि नहीं, ये भी ऐसे ही करते थे कि हमारे कपड़े भी होते थे ना, तो हमारे कपड़े भी लगभग सेम सेम हो जाते थे, फिर बाद में हम लोग
मतलब एक ऐसे बोल एक दूसरे की तरफ देख के बोलते थे कि वो सेम तुम्हारा भी सेम, बस इतना ही बोल पाते थे, पर ये नहीं कि हाँ कहाँ से लिया तुमने। पर जब ज्यादा शर्माती थी मैं, हाँ, मैं तो शर्माती थी, मैं बात नहीं कर पाती थी, मेरे से होती नहीं थी, मैं इतना मतलब थोड़ा बहुत ससुराल वाली फीलिंग आती थी। हम लोग सूट वगैरह की शॉपिंग में लग एक ही शॉप से करते थे, बाद में फिर हमारे सूट एकदम सिमिलर होते थे तो हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते, मतलब मैं पूछती थी कुंतल ये वाला सूट एकदम सेम, पर ये नहीं पूछते थे कि कहाँ से लिया। फिर एक दिन बैठे थे ऐसे ऐसे कि मैंने फिर मैंने सोचा यार पूछती हूँ भाभी कहाँ से लेते हैं ये सूट, पर तो फिर बाद में पता चला कि एक ही शॉप से लेते हैं। मैंने नाम बोलती मनीष, मैंने कह रही उसी से तो मैं लाती हूँ। फिर हमारी लगभग जो सूट होते थे वो सारे मिल जाते थे, एक जैसे से ही मिलते थे क्योंकि हमारी चॉइस लगभग एक जैसी सी है कपड़ों में, तो सेम सेम हो जाते थे सूट। तो बस और जो भी आपको कोई ड्रेसेस के बारे में कुछ पूछना हो पूछना, तो ये कहाँ से लेने हैं आप लोगों को, तो हम एड्रेस बता देंगे कि हम लोगों ने यहाँ से लिए हैं, पूरा आइडिया दे देंगे कि और प्राइस कपड़ा मतलब लगभग लहंगे महंगे का तो यही पड़ जाते हैं, हजार कपड़ा पड़ जाता है 1000 का, और फिर सिलाई वलाई करके 2000 तक, 2000 तक बन जाता है लहंगा, ये भी 2000 तक, ये भी 2000 तक, मतलब लगभग थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये थोड़ा अलग अलग प्राइसेस में आते हैं, कुछ पोंचे अलग आते हैं, ये अलग आते हैं, सबकी प्राइस अलग अलग। हाँ वो आपको पूछना हो तो हम पूछ के वैसे बता देंगे मम्मी लोगों से, उनको पता होता है, मम्मी लोग लाते हैं ना, ये ओढ़ना ओढ़ना का आइडिया नहीं है हम लोगों को इतना,